तो गाइस रिसेंटली अभी काफी सारे लोगों का काफी सारा डाउट चल रहा था कि भाई हमारी जो गैलेक्सी रेसर्स है उनका जो न्यू लाइनअप है उसमें कौन कौन से प्लेयर्स खेलने वाले हैं, एंड जो उनका पुराना लाइनअप था वो जो प्लेयर्स थे वो अब किस टीम के लिए खेलने वाले हैं। तो भाई ये तो क्वेश्चन काफी सारे लोगों का था, मैंने सोचा कि यार चलो इस पर डेडिकेटेड वीडियो बना के आपके डाउट क्लियर कर ले ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। एंड मैं सोच रहा हूँ कि भाई ऐसे ही मैं हर वीक लाते रहूँ ताकि क्या हो कि आपके जितने भी डाउट है वो भी क्लियर हो जाए। तो इसमें बेसिकली करना कुछ नहीं, आपको आपको मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर देना, उधर मैं हर वीक स्टोरी डाला करूंगा जिसमें बेसिकली आपको मुझे आपके जितने भी डाउट है वो आप मेरे से पूछ सकते हो डीएम करके, एंड उसका जो भी जवाब है मैं आपको एक वीडियो बना के दे दूंगा ताकि आपको कोई भी डाउट दिक्कत ना हो, कुछ भी ना हो, मैं परेशान नहीं होना है, मेरे ऑडियंस को तो बिल्कुल पर नहीं होना है, ठीक है। तो भाई मुझे फॉलो कर देना इंस्टाग्राम में, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो भाई फॉलो कर दो एंड डाउट जितने भी आप मेरे से वहां पर पूछ सकते हो। तो गाइस बिना किसी देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं FFCO के फाइनल के बारे में जो कि कल होने वाला है, एंड कल कौन कौन सी टीम आपको देखने को मिल जाएगी फाइनल में। तो भाई सबसे पहले टीम्स के नाम देख लेते हैं। तो यार सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगे हैदराबाद नवाब जो कि हैदराबाद से क्वालिफाई हुए आके आए, फिर अहमदाबाद लायंस, दिल्ली टाइटन, फिर आपको देखने को मिले हमारी कलकत्ता किंग्स जिसमें आपको तनेजा ओपी देखने को मिलेंगे, फिर चेन्नई कॉन्करर्स देखने को मिलेंगे आपको, फिर लखनऊ वॉरियर्स, फिर आपको देखने को मिलेंगे हमारे चेन्नई हंटर्स, फिर आपको देखने को मिलेगा इधर लखनऊ टाइगर्स यानी हमारी टीम लीट, फिर आपको देखने को मिलेंगे पंजाब पैंथर्स, फिर आपको देखने को मिलेगा देहरादून वुल्व्स, एंड फिर आपको देखने को मिलेगा इधर हमारी जो है वाइजैग विक्टर्स, फिर इधर आपको देखने को मिलेगा हमारी मुंबई स्ट्राइकर जिसमें GXR और 4 अननोन के प्लेयर्स मिलके खेलने वाले हैं। एंड तो गाइस ये तो हमारा FFCO के फाइनल में जितने भी टीम खेलने वाले हैं उनके नाम मैंने आपको बता दिया जो कि कल देखने को मिलेंगे 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे के दिन। तो गाइस अब चलते हैं हम लोग अपने दूसरे टॉपिक के ऊपर। तो भाई हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो एक ऐसा टॉपिक है जो कि यार काफी सारे लोगों का था कि भाई हमारे जो GXR है उसका जो न्यू लाइनअप है वो अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि भाई हमारे जो GXR है उसका ऑफिशियली कोई भी अनाउंसमेंट अभी तक नहीं आया है, बट बोला जा रहा है कि वासियो, ताहिर एंड सोहम एंड डिवाइन ये चार प्लेयर हो सकते हैं GXR के ऑफिशियल लाइनअप में। एंड आपको देखने को मिल गया होगा कि भाई वासी और सोहम अभी रिसेंटली जितने भी टूर्नामेंट्स में उसमें साथ में खेल रहे थे, एंड जो दो प्लेयर्स है वो ताहिर एंड हमारे डिवाइन हो सकते हैं, बट हाँ अभी तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया है। अब चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक के ऊपर जो कि हमारा होने वाला है ESPL से रिलेटेड। तो गाइस हम सभी जानते हैं ESPL एक इतना बड़ा टूर्नामेंट हुआ जिसमें क्वालिफाई करके अब 8 टीम्स निकल के आ चुकी है Level 3 में, एंड ये जो Level 3 होने वाला है ये एक क्लैश स्क्वाड इवेंट होगा। मतलब यार बैटल रॉयल से क्लैश स्क्वाड में आना मुझे समझ में नहीं आया ये क्या सिस्टम है, इनका फॉर्मेट क्या है, बट हाँ ESPL Level 3 में आपको क्लैश स्क्वाड इवेंट देखने को मिल जाएगा जिसमें जितने भी जो टीम्स है वो अलग अलग जो सिटीज है उसको रिप्रेजेंट करने वाले, जो कि अपने स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो कि यार कौन सी टीम कौन से हमारे सिटीज को रिप्रेजेंट करने वाली है। जैसे हमारी अंकुश फ्री फायर करने वाली है दिल्ली ड्यूक्स को, TSM FTS करेगी मुंबई मास्टर्स को, TSG करेगी बैंगलोर बैलिस्टिक्स को, एंड जो हमारी नो चांस की टीम है वो करने वाली है चेन्नई सेलेस्टिकल्स को। तो भाई ये तो था इनका अपडेट जो कि मैंने आपको बता दिया कि भाई ये जो 8 टीम्स है ये क्लैश स्क्वाड खेलेगी, एंड इसके बाद जो Level 4 होगा वो भी क्लैश स्क्वाड ही होगा, एंड ये 8 टीम्स में से कोई भी टीम इधर एलिमिनेट नहीं होने वाली है। बट गाइस एक चीज अभी तक समझ में नहीं आया कि यार ये मतलब बैटल रॉयल से क्लैश स्क्वाड का क्या सिस्टम है, 8 टीम्स क्वालिफाई करके क्लैश स्क्वाड खेल लिए बैटल रॉयल से, तो क्या फॉर्मेट है मुझे समझ में नहीं आया, आप बताना आपको कैसा लगा। अब चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक के ऊपर जो कि भाई हमारा ट्रांसफर अपडेट से। तो मैं आपको बता दूं कि भाई अंकुश फ्री फायर का जो अभय थे वो अब ब्लाइंड स्पोर्ट्स की तरफ से खेलने वाले, ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो चुका है कि अब वो कैप्टन की तरफ से खेलेंगे यानी हमारे ब्लाइंड स्पोर्ट्स की तरफ से खेलने वाले। एक और अपडेट निकल के आया कि जो हमारे राहुल ओपी हैं वो अब टीम NBA के लिए खेलने वाले हैं। NBA का काफी लोगों को फुल फॉर्म नहीं बताया, तो मैं बता दूं कि भाई NBA का फुल फॉर्म है नेवर ब्रोक अगेन, एंड इसके जो प्लेयर्स होने वाले वो होने वाले आपके बारका बॉय अमन मैरियक्स VRC गोल्डन एंड राहुल। तो मैं आपको बता दूं कि भाई बारका बॉय अमन मैरियक्स एंड VRC जो कि पहले गैलेक्सी रेसर्स की तरफ से खेलने वाले थे वो अब NBA के लिए खेलने वाले हैं, एंड FFCO में राहुल ओपी का ये आखिरी मैच होगा हमारी टीम ओपी की तरफ से। तो गाइस आज के वीडियो के लिए इतना ही, याद दिला दूं फिर से आपको मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो, एंड आपके जितने भी डाउट हैं मुझे उधर DM करके बता दो।